आज की इस वीडियो में हम बीएड सेकंड ईयर का सेकंड कंपलसरी पेपर दैट्स मीन करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट पाठ्यक्रम मूल्यांकन एवं आकलन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन दैट्स मीन सीसीई डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से हर साल एनुअल एग्जाम में डेफिनेटली शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन रिवील होता ही रहता है। आई होप कि आज की इस स्टडी से आपको ये दोनों एरिया कवर करने में अत्यंत ही सहूलियत रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ओके, मैं फर्स्ट वन इसको इंग्लिश में रीड करूंगी, देन आफ्टर आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी ताकि दोनों मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो नॉलेजेबल हो। MHRD ऑनरेबल कपिल सिब्बल हैव फॉर्मुलेटेड ए न्यू पैटर्न ऑफ इवैल्यूएशन दैट इज सीसी। दिस इज न्यू टीचिंग मेथड इंट्रोड्यूस रिसेंटली टू डिक्रीज स्ट्रेस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। इट रिकॉग्नाइज्ड बोथ स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ द चाइल्ड टू इंट्रोड्यूस ए मोर यूनिफॉर्म एंड कॉम्प्रिहेंशन पैटर्न इन एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन ऑल ओवर द इंडिया। ये एक नई शिक्षण पद्धति है जिसे बोर्ड परीक्षाओं के तनाव को कम करने हेतु प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत छात्र के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक सभी पहलू सम्मिलित हैं। पूरे देश में एक समान निरंतर एवं व्यापक रूप से गतिशील शैक्षिक प्रक्रिया के रूप में इस पद्धति को इंट्रोड्यूस किया गया है। रिगार्डिंग कंसेप्ट ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी जानना अति आवश्यक है। ओके, तो फर्स्ट वन है आपका कंटिन्यूअस प्लस कॉम्प्रिहेंसिव इक्वल टू इवेल्युएशन। दैट्स मीन कि दोनों के बेस को मिला के जो रिजल्ट आउटकम के रूप में हमारे सामने आता है वो इवेल्युएशन मूल्यांकन होता है। कंटिन्यूस दैट मीन सतत ओके, जो निरंतर प्रभामान गतिशील बना रहता है। रेगुलर एंड कंटिन्यूस एक्टिविटीज कंडक्टेड थ्रू आउट द ईयर टू अचीव ऑल राउंड ऑफ डेवलपमेंट। पूरे शैक्षणिक सत्र में छात्र के सर्वांगीण विकास हेतु निरंतर गतिशील प्रक्रिया के रूप में इसे कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट वन कॉम्प्रिहेंसिव दैट्स मीन व्यापक। अब व्यापक क्या होता है, जिसमें सभी विकास के पक्ष सम्मिलित होते हैं। लाइक दैट मेंटल इमोशनल एंड फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स और प्रोग्रेस फॉर एग्जांपल ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रेन स्टूडेंट ओके, कि इसके अंतर्गत छात्र के मानसिक भावुक पक्ष एवं शारीरिक इत्यादि सभी गतिविधियां रूपी विकास इस अवधारणा के अंतर्गत निहित होती है। नेक्स्ट वन वी टॉकिंग अबाउट इवेल्युएशन मूल्यांकन ओके, क्या होता है मूल्यांकन, वह तकनीक जिसमें मूल्यांकन प्रविधियों दैट्स मीन की वैरायटी ऑफ टूल्स के माध्यम से विद्यार्थी के विकास के सभी पक्षों का समग्र मूल्यांकन किया जा सकता है या हो सकता है। पार्ट्स ऑफ सीसीई ओके, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के भाग ओके, तो फर्स्ट वन हम देखते हैं कि ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज कंटिन्यूअस एंड सेकेंड वन इज कॉम्प्रिहेंसिव ओके। फर्स्ट वन हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं, इट्स ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ग्रोथ, सेकेंड वन इज डेवलपमेंट दैट्स मीन वृद्धि एवं विकास। और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वृद्धि और विकास इनकी अवधारणा कंसेप्ट भी डिफर होता है ओके। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव की, इट्स ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू एरियाज, फर्स्ट वन स्कॉलिस्टिक एंड सेकेंड को स्कॉलिस्टिक दैट्स मीन शैक्षणिक और सेकेंड शैक्षणिक। अब दोनों पक्ष के मूल्यांकन का क्या क्राइटेरिया रहता है, सेल्फ इवेल्युएशन, सेकेंड फीडबैक, नेक्स्ट वन रीटेस्टिंग करेक्टिव मेजर्स एंड नेक्स्ट वन डायग्नोसिस एंड लास्ट ऑफ ऑल रेगुलरिटी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीसीई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन मेक्स द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग ए लर्नर सेंटर्ड एक्टिविटीज दैट्स मीन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को छात्र केंद्रित प्रक्रियाओं के रूप में परिवर्तित करना। नेक्स्ट वन नंबर सेकंड टू मेक द असेसमेंट प्रोसेस एन एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस दैट्स मीन आकलन प्रक्रिया को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अहम अंग बनाना। नेक्स्ट वन टू मेक ए फेयर जजमेंट एंड द टाइमली डिसीजन फॉर लर्नर्स ग्रोथ लर्निंग प्रोसेस लर्निंग पेस एंड लर्निंग एनवायरमेंट। छात्र के विकास अधिगम प्रक्रिया अधिगम उन्नति एवं अधिगम वातावरण को निष्पक्ष निर्णयपूर्ण एवं समय अनुकूल सिद्ध करना। नेक्स्ट वन टू प्रोवाइड स्कोप फॉर लर्नर्स फॉर सेल्फ असेसमेंट
छात्र के स्वमूल्यांकन को अधिक अवसर प्रदान करना। जैसे किसी टेस्ट में आपके कम मार्क्स आए तो आप जरूर सोचेंगे कि कमी कहाँ रह गई, गलती कहाँ हुई, और नेक्स्ट टाइम उसे रिपीट नहीं करेंगे। दैट्स मीन कि स्वमूल्यांकन के माध्यम से आप स्व सुधार अवश्य ही करेंगे। नेक्स्ट, छात्र की सफलता को निरंतर शिक्षक निर्देशन एवं संशोधन के माध्यम से और अधिक सुधार उन्मुख, करेक्शन ओरिएंटेड बनाना। एंड लास्ट वन बट नॉट लीस्ट, टू मेंटेन डिजायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ अटेनमेंट, दैट्स मीन वांछित शैक्षिक निष्पत्ति, दैट्स मीन परफॉर्मेंस अचीवमेंट की प्राप्ति हेतु निरंतर अग्रसर करना। बात करते हैं शैक्षणिक पक्ष के असेसमेंट की, आकलन की। ओके, तो फर्स्ट वन है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन होता है जिसके अंतर्गत निरंतर पूरे सत्र किसी न किसी फॉर्म में ये छात्र को निरंतर अपने परफॉर्मेंस में सुधार करने हेतु उत्प्रेरित करता है, छात्र का स्किल्स को इम्प्रूव करता है। अब लाइक वो असाइनमेंट्स के रूप में हो सकता है, ओरल क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्विजेस हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, रिसर्च वर्क हो सकता है, ग्रुप्स हो सकता है, एसेट्रा एसेट्रा। दैट्स मीन कि वह छोटे छोटे टेस्ट, वह स्वमूल्यांकन के टूल्स जो निरंतर सत्र भर गतिमान रहते हैं। नेक्स्ट वन आ जाते हैं समेटिव असेसमेंट। ये क्या होता है? ये संकलनात्मक मूल्यांकन आकलन कहलाता है जो सत्र समाप्ति के पश्चात एनुअल एग्जाम टेस्ट या फाइनल एग्जाम के रूप में हमारे सामने कंडक्ट होता है। ओके, लाइक वो क्वेश्चन पेपर के रूप में हमारे सामने विजिबल होता है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन, मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। लाइक वो MCQ के फॉर्म्स में भी हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं एंड एसेट्रा, मैच द कॉलम्स एंड एसेट्रा एसेट्रा, जिसके अंतर्गत फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होती है एंड रिटर्न एंड ऑफ टर्म होता है। और जब समेटिव असेसमेंट के बाद क्या होता है कि एंड ऑफ टर्म हो जाता है, शैक्षणिक सत्र की समाप्ति हो जाती है। एडवांटेज ऑफ CCE, ओके, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लाभ, डी एम्फेसिस ऑफ मेमोराइजेशन, कि समय समय पर सत्र के दौरान टेस्ट होने से क्या होता है, स्टूडेंट्स के मस्तिष्क पर बोझ नहीं पड़ता, एक साथ पढ़ाई का बोझ ना आने से डी मेमोराइजेशन नहीं हो पाता। नेक्स्ट वन, टीचर गिव फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट इन, कि टीचर द्वारा निरंतर फीडबैक दिए जाने से, प्रतिपुष्टि दिए जाने से छात्र सुधार की संभावना हमेशा बनी रहती है। रेमेडिकल टीचिंग कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड, कि उपचारात्मक शिक्षण से इसके पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होते ही हैं। नेक्स्ट वन, कवरिंग बोथ एरियाज, दैट्स मीन स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एस्पेक्ट, छात्र के शैक्षिक एवं सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों का समान विकास संभव होता है। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट विल बिकम मोर रेगुलर एंड पंक्चुअल। नेक्स्ट वन, टीचर हैव ह्यूज वेराइटीज ऑफ इवेल्युएशन मेथड्स, के टीचर्स के पास ह्यूज वेराइटीज होती है छात्र के मूल्यांकन हेतु। दिस विल गेट रिड ऑफ अनफेयर मीन्स इन द एग्जाम, कि छोटे छोटे टेस्ट और सत्र के दौरान निरंतर टेस्ट वगैरह होने से छात्र फाइनल एग्जाम के दौरान अनुचित साधनों के प्रयोग को प्राथमिकता नहीं देता, और ये बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ CCE, ओके, कि क्या इसकी हानियां हैं। फर्स्ट वन, लेस टीचिंग मोर एक्सपेरिमेंट, कि सत्र भर एग्जाम्स टेस्ट वगैरह होने से क्या होता है कि बस एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, टीचिंग पर इतना फोकस नहीं हो पाता। नेक्स्ट वन, मोर वेटेज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। नेक्स्ट वन, वेस्ट ऑफ टाइम एंड लेबर, इससे क्या होता है, समय और श्रम दोनों की बर्बादी होती है। नेक्स्ट वन, स्टूडेंट अंडर स्ट्रेस ड्यू टू कंटिन्यूअस असेसमेंट, की कंटिन्यूअस असेसमेंट होने से क्या होता है कि छात्र पर निरंतर दबाव बना रहता है। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द लर्नर इज नॉट पॉसिबल, द पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी ऑलवेज। अब ये क्या होता है कि ये एक हेलो इफेक्ट होता है, जिसमें शिक्षक के मन मस्तिष्क में एक धारणा होती है कि अगर स्टूडेंट ने ए पेपर में अच्छा परफॉर्म किया है फर्स्ट अगर टेस्ट में, तो वो सेकेंड टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि
के छात्र के मार्क्स पर उसकी परफॉर्मेंस पर बैड इफेक्ट पड़ता है। सीसीई के सभी इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। नाउ टॉकिंग अबाउट कंक्लूजन निष्कर्ष। ओके, आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवेल्युएशन दैट्स मीन सीसीई वन कैन अंडरस्टैंड हाउ इट कैन ब्रिंग ए रिफॉर्म इन इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अंडर दिस पैटर्न पास फेल क्राइटेरिया हैज अबॉलिश्ड। नाउ वी कांट डिक्लेयर एनी चाइल्ड टू फेल। बेसिकली सीसीई नोन एज ए रिफॉर्म इन इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन इट्स रियली होप टू ब्रिंग ए ड्रास्टिक चेंजेस इन रिड्यूस्ड बर्डन ऑफ स्टूडेंट्स टू सम एक्सटेंड एंड प्रोवाइड्स ए होमली एटमोसफेयर फॉर लर्निंग। सभी पक्षों की समग्र जानकारी के पश्चात अब हम ये कह सकते हैं कि सीसीई किस तरह से भारतीय शिक्षा पद्धति में सुधारात्मक प्रवृत्ति के संकेत को उपस्थित करती है। इस पद्धति के अंतर्गत पास फेल मानक को दरकिनार कर दिया गया है। नाउ किसी छात्र को फेल घोषित नहीं किया जा सकता। एंड लास्ट वन, मूलतः सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति भारतीय शिक्षा पद्धति में वांछित शैक्षिक सुधार का परिचायक है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास के मार्ग को प्रशस्त करती है। ये छात्र के शैक्षिक दबाव बोझ को कम करने के साथ साथ उन्हें अधिगम हेतु घरेलू आरामदायक वातावरण भी उपलब्ध कराती है।